हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अनुपमास किचन में। फ्रेंड्स, आज इस रेसिपी में दो टाइप के मोदक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी बिना गैस जलाए। एक है ओरियो मोदक और एक है शुगर फ्री मोदक। बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं, तो एक बार ट्राई करना। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, और सबसे बड़ी बात है ये शुगर फ्री मोदक बनाए हैं हमने। बिल्कुल बीपी शुगर वाले भी इनको खा सकते हैं बहुत आसानी से। ये हमने बनाए हैं बिना किसी चीनी, बिना चाशनी, बिना मावा के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और 10 मिनट में बनके ये तैयार हो जाते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट के मोदक हैं ये, गणपति बप्पा के फेवरेट। तो 10 मिनट में बनाइए और झटपट से भूख लगाइए। तो चलिए देख लेते हैं इनके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट हमने यूज़ किए हैं। यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया है डेट्स, जो हम खजूर होते हैं ना, वही हमने यहाँ लिए हैं। एक कटोरी हमने खजूर लिए हैं, उनके इस तरह से ना सीड अलग कर लेंगे। और थोड़े से मैंने यहाँ आधा कटोरी अंजीर लिए हैं, 10 से 12। तो उनको मैंने पानी में भिगो के छोड़ दिया था, तो वो सॉफ्ट हो गए थे। अब हमने इसको सीज़र से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़ी सी मैंने चॉप्ड बादाम और काजू लिए हैं, 1 चम्मच मैंने पॉपी सीड लिया है, और 1-1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे मेलन सीड और पम्पकिन सीड लिए हैं। तो पहले अंजीर और डेट्स को इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को सारे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक पैन में, और इसको गैस पे रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। हमें इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी आने तक कुक करना है, ताकि इसका जितना भी हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ना ग्राइंड करने के लिए, तो वो सारा पानी सूख जाना चाहिए। तो मोदक की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है ना, हम उसको सारा सोख लें, और इस तरह से ना हल्की से थिक कंसिस्टेंसी आने तक हमें इसे कुक करना है। तो ये देखिए, सारा मॉइस्चर सूख गया था, हमने इसे एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब उसी पैन में हमने अपने सीड को हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो मैंने मेलन सीड और पम्पकिन सीड डाल लिए हैं, साथ ही मैंने यहाँ पे जो चॉप्ड आलमंड्स और कैश्यू लिए थे ना, वो भी इसमें डाल दिया है। और 1 चम्मच जो हमने पोपी सीड लिए थे, वो भी हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, तो ये इसकी गर्माहट में ही सिक जाएंगे। तो ये देखिए, अब इसको हम ठंडा होने देंगे और साइड में रख देंगे। अब ये जो हमारा बैटर था ना, उसी में हम अपना ये सारा ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेंगे। खजूर और अंजीर का जो मिक्सचर था, उसमें हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट मिक्स कर लिए हैं। अच्छे से सारे को मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ना साइड में रख देंगे फ्रिज में, थोड़ा सा सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा होके बाइंड हो सके। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच घी डाला है, ताकि ये हाथों पे चिपके ना, हाथों को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया था। तो ये देखिए, अच्छे से बाइंड हो गया है हमारा सारा बैटर, मोदक बनाने के लिए रेडी है। चलिए अब मोदक मोल्ड ले लेते हैं। हाथों को घी से ग्रीस कर लेंगे, मोल्ड को भी हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये चिपके ना। थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और दोनों साइड हम मोदक के लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने दो तरह के शेप लिए हैं, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा। तो ये देखिए, दोनों साइड मैंने यहाँ पे अपना बैटर मोदक मोल्ड में डाल लिया है, और इसको बंद करेंगे और एक्स्ट्रा हटा देंगे प्रेस करते हुए, और ये एक मोदक की शेप हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसको निकालेंगे, ये देखिए कितना सुंदर हमारा मोदक बनके हो गया तैयार। मिक्स ड्राई फ्रूट मोदक, वो भी शुगर फ्री। कोई शुगर पेशेंट भी इनको इजीली खा सकते हैं। इसमें हमने कोई शुगर यूज़ नहीं की है। तो एक छोटे वाले मोल्ड में डाल के भी मैंने बना दिया है, ये देखिए। तो शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बड़े मोदक बनाने हैं तो बड़े बनाइए, छोटे बनाने हैं तो छोटे बनाइए। ये देखिए कितना सुंदर ये छोटू सा मोदक भी हमारा बनके तैयार है। तो इस गणपति बप्पा के महोत्सव पे आप ये ड्राई फ्रूट के मोदक बनाइए और झटपट से गणपति बप्पा को भोग लगाइए। सुबह जब देरी हो रही हो, तो आप झटपट से इसको बना के तैयार कर सकते हो और भोग लगा सकते हो। तो इसे देखिए, अगर आपके पास मोल्ड ना हो, तो आप हाथों से भी इस तरह से शेप दे सकते हो, एक मोदक की शेप देके, और उसके ऊपर ना इस तरह से टूथपिक से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से भी हाथों से बिना मोल्ड के भी हम मोदक बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर मोदक बना है ये भी। तो हमारे तो मिक्स ड्राई फ्रूट के मोदक बनके हो गए हैं तैयार झटपट से। आप कब बना रहे हैं, तो इस गणपति त्यौहार पर आप भी ये वाले मोदक बनाइए।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट से इंस्टेंट से मिक्स ड्राई फ्रूट के मोदक हैं तैयार। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। हमने बनाया है सिर्फ 5 मिनट में, और ना मावा, ना घी, ना चीनी, कुछ भी हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। और झटपट से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। आप गणपति बप्पा को जब भोग लगाना हो, तुरंत के तुरंत इनको बना के भोग लगा सकते हो। सिर्फ 5 पैकेट ओरियो के लगे हैं, और मैं काट के दिखा देती हूँ। अंदर अमेजिंग सी फिलिंग की है हमने, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट जिससे बढ़ जाता है। और इसको बच्चे अपने स्कूल प्रोजेक्ट में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ना हमने गैस जलाई है, ना हमने दूध, मावा, चीनी कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 5 पैकेट ओरियो बिस्किट के, वाइट वाली क्रीम के बिस्किट लिए हैं हमने। इस तरह से कट कर लेंगे पैकेट, और सारे बिस्किट को पैकेट से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए, वाइट क्रीम का हमने लिया है, और आप चाहो तो चॉकलेट क्रीम के भी ले सकते हो। तो सबसे पहले बिस्किट को इस तरह से ओपन करके वाइट क्रीम इनकी सारी अलग कर लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए, मैंने सारी क्रीम अलग कर ली है। और अब हम ये जो बिस्किट अलग हुए हैं ना, इनको हाथों से ना अच्छे से क्रश कर देंगे, ताकि जब हम इसको मिक्सी के जार में पाउडर बनाएं तो मोटे चंक्स ना आए। तो इस तरह से ना हाथों से हल्का सा क्रश कर लेंगे। ये देखिए, सारा क्रश हो गया है बिस्किट का। अब इसको जार डाल लेंगे एक मिक्सी के जार में, और एक इसको पाउडर फॉर्म तक पीस लेंगे। तो ये देखिए, पाउडर हमने बना लिया है बिस्किट का। एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे सारा। और अब हम इसमें डालेंगे जो फ्रेश मलाई आती है ना दूध के ऊपर, 1 चम्मच, वही हम इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं हमने फ्रेश मलाई। उसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको ना एक डो की तरह गूँथ लेंगे। सारा मिक्सचर हम बना लेंगे एक डो फॉर्म में। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कितने अच्छे से स्मूथली मिक्स हो गया है सारा, और कितना अच्छे शाइनी सा हमारा बैटर बनके तैयार है। अब जो हमने वाइट क्रीम अलग की थी ना, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा। इस तरह से मिक्स करेंगे, इसकी वजह से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और मोदक के अंदर भरने के लिए हम इस तरह से फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गोले बना के रख लिए हैं। अगर आपके पास इस तरह से चॉकलेट क्रीम वाला बिस्किट हो ना, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी हमने थोड़ा सा कोकोनट मिला लिया है। अब हम मोदक मोल्ड लेंगे, उसको इस तरह से अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे, और उसकी पिन लगा के उसको बंद करके अब हम अपनी फिलिंग बननी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ना हाथों से प्रेस करते हुए ना उंगली से चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे हम अपने मोदक की। हमें बाहर का लेयर बनानी है, और अंदर इसमें हम फिलिंग डाल लेंगे। जो हमने वाइट वाली फिलिंग बना के रखी थी ना, वो हम इसमें डाल लेंगे, और इसको ऊपर से सील कर देंगे ओरियो वाले बैटर से। तो ये देखिए, हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ओपन करेंगे मोदक मोल्ड, और ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा छोटू सा मोदक बनके तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से ना बड़े वाले मोल्ड का यूज़ भी कर सकते हो। इसमें भी इसी तरह से सारा बैटर डालेंगे, चारों तरफ इवनली एक लेयर बना लेंगे पतली सी। आप जितनी कम ज़्यादा फिलिंग करना चाहते हो, उसी हिसाब से आप इसमें अंदर लेयर बनाइए। तो यहाँ देखिए, मैंने ज़्यादा ज़्यादा फिलिंग डाली है, तो पतली सी लेयर बनाई है। ऊपर से ओरियो के बैटर से उसको सील कर लिया है। और ये देखिए, हमारा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा ओरियो का मोदक हो गया है तैयार। ये देखिए, शाइन देखिए इसकी, कितना शाइनी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, और गणपति पप्पा का तो है ही ऑल टाइम फेवरेट। तो यहाँ देखिए, मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। चारों तरफ से लेयर बनाएंगे, और अंदर इसमें फिलिंग डालेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ ये चॉकलेट वाली फिलिंग। तो आप चाहो तो दोनों फिलिंग ऊपर नीचे करके भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी लेयर आएगी। ऊपर आप चॉकलेट वाली डाल दो, नीचे थोड़ी वाइट वाली, तो बहुत सुंदर लेयर आएगी अंदर से, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए, ये वाला मोदक भी बनके तैयार है। और आप ना इस तरह से हाथों से शेप देके भी बना सकते हो। तो ये देखिए, मैंने सारा बैटर यूज़ कर लिया था, तो थोड़ा सा ये बचा था, तो मैंने दोनों को ना मिक्स कर दिया है। और स्पून से ना इस तरह से निशान बना लेंगे मोदक के। तो हाथों से भी मोदक बहुत आसानी से बन जाता है, मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, हमारे तो मोदक हो गए हैं तैयार गणपति बप्पा का भोग लगाने के लिए। तो आप भी इस उत्सव पे
ओरियो के मोदक बना के गणपति बप्पा को दीजिए, बप्पा बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो इस तरह से देखिए, मैं कट करके दिखा देती हूँ अंदर कितनी अच्छी लेयर आई है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है ओरियो मोदक की रेसिपी। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज़।